दर्शकों नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे। आइए एक नजर डालते हैं आज दिन भर की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व विधायक विनोद डागा जी के निधन पर शोक संवेदना देने बैतूल पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय विनोद डागा जी के पुत्र विधायक निलय डागा और उनके परिजनों को सांत्वना दी। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की डी कंपनी के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें आज सभी कैडेट्स ने स्वतंत्रता पार्क और पीजी कॉलेज स्थित विवेकानंद पार्क की साफ सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। किसान आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया डीएसओ ने किया प्रदर्शन। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा पूरे प्रदेश भर में काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन अलग अलग जिलों में किया गया। उसी क्रम में आज स्थानीय अंबेडकर भवन चौराहे पर गुना जिला इकाई द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश में समस्त कोविड-19 स्टाफ को संविदा नियमितीकरण के लिए और 50% छटनी को लेकर कोविड-19 कर्मचारियों द्वारा नीलम पार्क भोपाल में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राजगढ़ से सपोर्ट स्टाफ पद पर पदस्थ सौरभ यादव भी उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन चल रहा था तभी पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और सौरभ यादव और कई साथियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुरानी जेल भोपाल में डाल दिया। बताया जाता है कि सौरभ यादव अपनी ही नहीं अपने 6000 साथियों के लिए भी सरकार से संविदा मांग के लिए गए थे। सौरभ यादव और उनके कई साथियों को 24 घंटे के बाद जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद सौरभ यादव से हुई बातचीत। प्रसिद्ध व्यवसायी और महिंद्रा शोरूम के मालिक कुलदीप समाधिया के ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली युवती ने अपने बयान को बदला। युवती का कहना है कि उसे दबाव में लेकर कुलदीप समाधिया के ऊपर मामला दर्ज कराने के लिए कहा गया था। राघवगढ़ थाना प्रभारी ने आज नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अतिक्रमण विरोधी मुहिम छेड़ी, जिसके अंतर्गत बाजार में जिन व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर रखा था वहां जाकर अतिक्रमण हटाया। शस्त्र लाइसेंस धारी अपने पास अब केवल 2 ही शस्त्र रख सकेंगे। जिला कलेक्टर के अनुसार जिनके पास 1 या 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं और जिनमें और जिनके पास 3 शस्त्र हैं, वे अपना 1 शस्त्र संबंधित थाने या जिले के अधिकृत डीलर के पास 11 दिसंबर तक उपस्थित होकर जमा करें और प्राप्ति प्राप्त करें।